खबर महाविद्यालय चितरंगी से, जहां छात्रों से कॉलेज की समस्याओं के बारे में पूछा गया तो बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ। छात्रों को बैठने के लिए टेबल तक की व्यवस्था नहीं है। जहां 600 छात्रों के बीच में 15 से 20 ही टेबल बेंच हैं, उनमें से भी ज़्यादातर टूटे हुए हैं। छात्रों ने बताया कि पठन पाठन में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। उक्त समस्या को देख प्राचार्य महोदय रामलन प्रजापति से बात करने बताया कि शासन प्रशासन से आग्रह किया है कि जल्द से जल्द चितरंगी महाविद्यालय में उचित बैठक व्यवस्था बनाई जाए, जिससे कि सभी छात्र छात्रा अच्छे से पढ़ाई कर सके। बताते चलें, उक्त महाविद्यालय का लोकार्पण हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कर कमलों से सम्पन्न हुआ। विधायक, सांसद, कलेक्टर महोदय का आना जाना लगा रहता है, फिर भी इस हालात का जिम्मेदार कौन है? छात्र छात्राओं, प्राचार्य द्वारा शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराया गया है। प्रस्तुत है ये खास रिपोर्ट। यस सर। जी नमस्कार, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं शासकीय जगन्नाथ सिंह स्मृति महाविद्यालय चितरंगी में पहुंच चुका हूं, और आइए हम आपको लिए चलते हैं कि इसके अंदर क्या इसके हालात हैं, क्या प्रक्रिया है, क्या इसकी देखिए इस तरह से यहाँ बाहर में बैठे हुए हैं। आप इधर आ जाएं, मेरा कैमरा मैन सामने आ जाएं, मैं कुछ जानकारी लेना चाहूँगा। और आगे जाएं, और आगे जाएं। जी आपका नाम, अपना नाम बताइए, टेलिंग बताइए, कौन से कौन सी कक्षा में आप अध्ययनरत हैं? बी ए फाइनल कि बी एस सी फाइनल? बी ए फाइनल। आप लोग यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, आप बता सकते हैं कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप बताइए आपका नाम। अच्छा, कौन सा ईयर है आपका? बी ए फाइनल। तो यहाँ आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? अच्छा, बैठक व्यवस्था नहीं, बेंच टेबल नहीं है। क्या आपने इस बारे में प्राचार्य जी से कभी बातचीत किया क्या कि सर हम लोग क्या करें, कैसे बैठे? आप लोगों ने प्राचार्य जी से बात किया क्या, बताया प्राचार्य जी को, इसकी जानकारी दी आपने? अच्छा, देने पर उन्होंने क्या बोला? अच्छा अच्छा, मैं आपको ले देता हूँ बी ए प्रथम वर्ष की कक्षा में। जी आप देख सकते हैं कि ये हालात है यहाँ के विद्यार्थियों के, इस तरह से खड़े होकर के किस स्थिति में ये लोग पढ़ सकते हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ के प्राचार्य महोदय पास, उनसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा पहुँच करके कि ये बैठक
घर से उम्मीद करके आते हैं, घर से उम्मीद करके आते हैं कि हमें पढ़ाई लिखाई करने के लिए हम लोग आए हैं, इसका भरपूर ये देखिए हमने पहुंच चुका हूँ प्राचार्य कक्ष में, यहाँ पर प्राचार्य मंत्र आ जाए सर, प्राचार्य मंत्र यहाँ पर उपस्थित है सर। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि छात्र छात्राओं को पूछा है बैठक व्यवस्था की विसंगति बताइए, और हमने ये भी पूछा कि आपने अपने प्राचार्य मंत्र से बात किया करेंगे तो हमारे साथ सर उनको के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे इस व्यवस्था को लेकर। विद्यालय में निश्चित रूप से छात्र छात्राएं काफ़ी अधिक संख्या में हैं, और इस ट्रस्ट का ये बड़ा कार्यालय है, और अभी प्रशासन के द्वारा इसका भवन का लोकार्पण किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी यही आए थे, और निश्चित रूप से बच्चों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था नहीं, हमारे स्टाफ के लिए भी अभाव है, हमारे स्टाफ के सदस्य बच्चे किसी भी कार्य काम चला रहे हैं, लेकिन बच्चों की और बैठने की व्यवस्था को अगर सरकार के द्वारा ध्यान में ला इसको लिया जाए और समाधान कर दिया जाए तो बच्चों का अध्ययन अध्यापन ठीक तरीके से हो पाएगा। प्रतिभाओं की भी इस क्षेत्र में काफ़ी की कमी नहीं है, अभी हाल में हमारे महाविद्यालय से बच्चे किस्ती में बोर्ड में डल लाए थे, और इसके पहले भी हमारे यहाँ के बच्चे अच्छे रिजल्ट के साथ पास होते रहे हैं, तो आदिवासी अंचल में महाविद्यालय अगर सरकार चाहती है तो मदद करने के लिए तो हम लोगों की इच्छा है जी। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा क्या आपने वरिष्ठ विभाग की ओर विधायक महोदय सांसद महोदय या शिक्षा विभाग की ओर का ध्यान आकर्षण कराया, इसके बारे में जानकारी दिया बैठक के संबंध में। निश्चित रूप से हम हमेशा इस महाविद्यालय में उपलब्ध संसाधन और यहाँ के लोगों से सहयोग लेकर जो भी प्रोग्राम होते रहे हैं सरकार के टाइम टेबल के अनुसार उसको भी करते रहे, कुछ अपने से भी निर्णय लेकर हम अपने स्टाफ के सदस्यों से प्रोग्राम करते रहे हैं। अभी हाल ही में हमने विश्व एड्स दिवस पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, और उसी में कुश्ती प्रतियोगिता प्राप्त गोल्ड मेडल नेशनल में जो बच्चे आए थे ये गुरानी का भी बच्चा उसमें था जी, तो दोनों बच्चों को हमने कही कि उनको उत्साहवर्धन किया है, उनको सम्मानित करने का इसमें चैलेंज देते हुए सम्मानित करवाया है माननीय विधायक जी के कार्यक्रम द्वारा, उसमें माननीय विधायक जी के द्वारा घोषणा भी की गई है कि 2,00,000 रुपये फर्नीचर के लिए स्टाफ और विद्यार्थियों के लिए देंगे, मैट के लिए भी हम उसी के इंतजार कर रहे हैं कि तब तक उपलब्ध होता है। इसके पहले भी हमने तमाम पत्राचार किए हैं माननीय सीएम के आगमन के दौरान, छोटी छोटी चीज़ों की भी हमने मांग की थी और बड़े स्तर के चीज़ों की भी हमने मांग किया था। स्पोर्ट ऑफिसर का आपसे बताऊं कि पद नहीं है, और हमारे बच्चे बिना स्पोर्ट ऑफिसर के रहते हुए गोल्ड मेडल रहे, हम अब हमारी इच्छा है कि अगर स्पोर्ट ऑफिसर आ जाता तो पद आ जाता और स्थापना हो जाती, तो हो सकता था यहाँ की प्रतिभाएँ और कुछ जी सर बिल्कुल सर, मैं भी जो प्रतिभा यहाँ पर मैंने अपनी भूमिका अदा करी है इस चित्रणी का नाम रोशन किया है उनके लिए और कॉलेज प्रशासन प्रबंधन के लिए हमारी ओर से भी हार्दिक शुभकामनाओं का बधाई है सर।